जम्मू कश्मीर में आतंकी दुस्साहस से बाज नहीं आ रहे हैं। अब डोडा जिले में एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोला है। उसके जवाब में अब आर्मी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 सैनिक घायल होने की खबर है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके आर्मी अस्पताल में भेजा गया है। गुरुवार यानी 18 जुलाई को तड़के सुबह टोडा के कस्तीगढ़ इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि हाई अलर्ट और सघन जांच के बीच सेना ने सुबह करीब 4:15 बजे संदिग्ध मूवमेंट देखा। सर्च के दौरान आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। शुरुआती झड़प में 2 सैनिक जख्मी हो गए। माना जा रहा है कि ये वही आतंकी हैं जिन्होंने सोमवार को देसा के जंगलों में सेना की पार्टी पर हमला बोला था। उस हमले में कैप्टन समेत 4 आतंकी शहीद हो गए थे। मौके पर अतिरिक्त बल को भेजा जा रहा है और आतंकियों की घेराबंदी करके फायरिंग हो रही है। इस बीच पुलिस ने डोडा के ही भल्लेसा के रहने वाले सौकत अली को अरेस्ट किया है। आज भी उनके साथ हमारा कॉन्टेक्ट हुआ है। सर्च ऑपरेशन प्रोग्रेस में होने की वजह से अभी मैं आपके साथ सारी डिटेल शेयर नहीं कर सकता हूं। ऑपरेशन हमारा प्रोग्रेस में है और जल्दी कामयाबी मिलेगी। ये पाकिस्तानी टेररिस्ट है। उस पर 3 आतंकियों को पनाह देने का आरोप है। उससे इन आतंकियों को खाना और रहने की जगह दी थी। देशा के जंगलों में सेना पर हमले से ठीक पहले उसने आतंकियों को पनाह दी थी। सौकत अली का आतंकियों से कनेक्शन बताया जा रहा है और वह ओवरग्राउंड वर्कर है। आतंकी संगठनों में ओवरग्राउंड वर्कर उन लोगों को कहा जाता है जो सामान्य नागरिक के तौर पर ही रहते हैं, लेकिन आतंकी संगठनों के लिए काम करते हैं, फंडिंग आदि करते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। घाटी में ऐसे कई ओवरग्राउंड वर्कर पर एक्शन लिया जा चुका है। सुरक्षा बलों को संदेह है कि 2 से 3 आतंकियों के कई ग्रुप्स टोडा में सीमा पार से घुसपैठ कर चुके हैं। इन आतंकियों को स्थानीय स्तर पर भी मदद मिल रही है और अब ये सुरक्षा बलों के लिए सिरदर्द बन गए हैं। आपको बता दें कि सोमवार को आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान कैप्टन ब्रिजेश थापा और 3 अन्य जवान जख्मी हो गए थे, लेकिन जाबाज जवानों को बचाया नहीं जा सका और मंगलवार को उनकी मौत हो गई। सूत्रों का कहना है कि सौकत अली ने माना है कि उसने 3 आतंकियों को कुछ दिनों तक अपने घर में रखा था। उनसे न सिर्फ इन आतंकियों को खाना और रहने की जगह दी बल्कि वाईफाई भी मुहैया कराया, जिसकी मदद से आतंकियों ने पाकिस्तान में बैठे अपने आकाओं से बात की। जम्मू कश्मीर में आतंकी दुस्साहस से बाज नहीं आ रहे हैं। अब डोडा जिले में एक बार फिर से आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोला है। उसके जवाब में अब आर्मी एक्शन मोड में नजर आ रही है। इस मुठभेड़ में अब तक 2 सैनिक घायल होने की खबर है, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में ले जाया गया। इसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट करके आर्मी अस्पताल में भेजा गया है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए न्यूज स्ट्रीट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।